जैसे आराम भाई लोग टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुकी है और इस जीत में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है विराट कोहली सूर्य कुमार यादव हार्दिक पांड्या जसप्रीत बुमराह रोहित शर्मा कुलदीप यादव अक्षर पटेल इन लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण पारियां खेली हैं इन्होंने बैटिंग से नहीं तो बॉलिंग से बॉलिंग से नहीं तो फील्डिंग से चमत्कार किया है क्योंकि एक रन का टारगेट भारत ने साउथ अफ्रीका को दिया था और साउथ अफ्रीका इस टारगेट को बहुत आसानी से चेस कर रही थी चूंकि लास्ट पांच ओवर में साउथ अफ्रीका को तीस रन चाहिए थे और उन तीस रनों को बनाने से रोकने के लिए रोहित शर्मा ने अच्छी कप्तानी करते हुए हार्दिक पांड्या को ओवर दे दिया हार्दिक पांड्या ने क्लासेन का विकेट निकाला और टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप में अपनी पकड़ मजबूत कर ली आप जान रहे हैं कि वो क्लासन कितने भयंकर खड़े खड़े सिक्स मार रहा था ऐसा लग रहा था कि अगर जे हार्दिक पांड्या की पहली गेंद पर आउट नहीं होता तो हो सकता है कि वो हार्दिक पांड्या के ओवर में ही मैच जिता देता क्योंकि इतने भयंकर ही खेल रहा था यार वो पूरी टीम डरी हुई थी उससे ऐसा लग रहा था मानो टीम इंडिया के हाथों से वर्ल्ड कप फिसल चुका है लेकिन तभी हार्दिक पांड्या जोश में आता है भाई वो कहते हैं ना कि टूटे हुए को छेड़ना बहुत घातक होता है हार्दिक पांड्या ने आज अपना एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड दोनों का परिचय दिया है भाई इतनी शानदार बॉलिंग किया है उसने अपने आने के अपने ओवर की पहली गेंद पे क्लास को आउट किया अपने नेक्स्ट ओवर की पहली गेंद पे डेविड मिलर को आउट कर दिया और यहीं से मैच पलट गया साउथ अफ्रीका के हाथ से जीता जिताया जीता मैच चला गया चूंकि हम मैच तो पहले ही जीत रहे थे लेकिन वो अक्षर पटेल का ओवर हैंनरिक क्लासिन ने बहुत भयंकर पीट दिया था जिसके कारण भारत को ऐसा लग रहा था कि हम ये वर्ल्ड कप शायद अब नहीं जीत पाएंगे क्योंकि हैंनरिक क्लासन थे ना वहां पर लेकिन किस्मत कुछ कुछ और ही अलग था क्योंकि कल मैंने न्यूज में पढ़ा था एक एस्ट्रोलॉजिक थे उन्होंने बताया था कि जो भारत का मैच होगा कल उसमें टीम इंडिया तो मैच जीतेगी लेकिन ये मैच बहुत खतरनाक फंसेगा और हुआ भी वैसा ही मैच फंस गया था भाई साहब अगर हार्दिक पांड्या क्लासन का और डेविड मिलर का विकेट नहीं लेते तो मैच जा चुका था गुरु लेकिन इस मैच में जिताने के पीछे और भी बहुत सी हस्तियों का हाथ है जिसमें हमारे सर विराट कोहली का नाम भी आता है उन्होंने आज इस टी फॉर्मेट इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है और अब वो हमें टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में कभी दिखेंगे नहीं इंटरनेशनल टी ट्वेंटी कभी अब खेलेंगे नहीं तो उन्होंने कहा उनका उन्हों ये अच्छा करियर रहा वर्ल्ड कप तो उनका अच्छा नहीं गया लेकिन वर्ल्ड कप की ये लास्ट वाली बहुत शानदार गई वो कहते हैं ना कि बड़ा खिलाड़ी बड़ी जगह पर बड़ा काम करके दिखाता है वो आज विराट कोहली ने किया है भाई रोहित शर्मा नौ रन बनाकर आउट ऋषभ पंत जीरो बनाकर आउट सूर्य कुमार यादव तीन रन बनाकर आउट उस परिस्थिति में विराट कोहली छिहत्तर रन की पारी खेलता है और साउथ अफ्रीका का धुआं धुआं करके रख देता है भाई अब तुम सोचो जो बंदा पहले ओवर से उन्नीसवे ओवर तक खेल जाए तो सोचो सामने वाली टीम की क्या स्थिति रही होगी मान लो आप स्ट्राइक रेट पर लोग विराट कोहली के बहुत तंज कसेंगे कि विराट कोहली का स्ट्राइक रेट बहुत कम था बहुत कम था मैं बताऊं आपको अगर विराट कोहली तेज रेट से खेल जाता ना तो हो सकता है टीम इंडिया 115 120 रन पर फिसल जाती क्योंकि विकटे फिर दोनों तरफ से गिरती क्योंकि विराट कोहली ने एक तरफ से विकटें पचाक के रखी थी तो उसके इस योगदान को मत भूलना विराट कोहली वो प्लेयर है साहब जो कभी भी गेम पलट सकता है एटीट्यूड नहीं देखा बंदे का क्या वो अलग ही खुशी होती है यार मतलब मेरा तो प्रिय है यार तुम्हारा हो या ना हो मेरा तो प्रिय है चलो अब देखते हैं थैंक यू